ये है दिल्ली दर्पण। के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बनाने का अधिकार है
और उन फाइलों को क्लियर करके उनको डेवलपमेंट के लिए ऑर्डर करने का अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ पास बिल्कुल क्लियर है। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, श्रीनिवासपुरी कॉलोनी है साउथ दिल्ली मेरी संसदीय क्षेत्र के अंदर, उस कॉलोनी की रीडेवलपमेंट हो रही थी, उसकी जीपीआर जो निवासपुरी कॉलोनी है पुनवा से संबंधित 2019 में यूडी मिनिस्टर हरदीप पुरी जी वहां पर शिलान्यास करके चले आए। अब वो दिल्ली सरकार से उसकी एनओसी लेनी थी पर्यावरण विभाग से, 19 से लेकर आज तक 22 आ गए हैं, वो फाइलें दबाए बैठे हैं केजरीवाल साहब, 22 भी खत्म हो गया, दिसंबर है 22 भी खत्म हो गया। तो ऐसी फाइलों को जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखने के बाद कहा कि ये फाइलें क्यों दबाए पड़ी हुई है, तो क्लियर क्यों नहीं करते, तब वो फाइलें प्रारंभ क्लियर प्रारंभ होनी शुरू हुई। उस प्रकार की फाइलें हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली के डेवलपमेंट को रोकने का काम ये एक एग्जाम्पल है। उपराज्यपाल ने 19(5) नियम के तहत ये फाइल पर्यावरण मंत्री को 2-3 वर्ष लंबित होने के बाद मंगाई, तब जाकर इन्होंने इसको क्लियर किया। ये किसी से नहीं, राष्ट्रीय राजधानी UER 2 के अलावा परमानंद चौक से किंगवे कैंप और बुराड़ी के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी फाइलें, या IIT और साकेत CISF कैंपस में विकास निर्माण की फाइलें, ये सभी फाइल 2 वर्षों से केजरीवाल सरकार ने रोके रखी थी। और उसी नियम जो NCT एक्ट 1993 जब ये कानून बना दिल्ली, उसी नियम के तहत 1905 के तहत जब ये फाइलें मंगाई है तब इन फाइलों को क्लियर कराया गया, 2-2 साल से वो रोक रखी थी। इसी प्रकार से हर आदमी आज 4G फंस रहा है, 5G आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, ये भारत सरकार की गाइडलाइंस है टेलीकॉम मिनिस्ट्री की 2016 की, कि क्लियर 32 के 32 राज्य चाहे यूटी भी क्यों ना हो अंडरलाइन इनरलाइन 5G की लाइन डाली थी दिल्ली के अंदर, उसको रोल आउट से संबंधित प्रावधानों को देश के सभी राज्यों ने क्लियरिटी दे दी, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल साहब उस 5G की फाइल को रोके पड़े रहते थे कि वो लाइन अगर देश की राजधानी है, यहां पर सभी राज्यों से भी कनेक्शन होना है, और टेलीकॉम मिनिस्ट्री के द्वारा केंद्र के बनाए कानून के बताए भी उस फाइल को भी रोके पड़े थे मनीष सिसोदिया साहब, तो इसीलिए इस फाइल को भी अब 1.5 वर्ष से लटकाए बैठे थे। उपराज्यपाल महोदय ने इसका रिमाइंडिंग दिया तो मुख्यमंत्री सिसोदिया ने फाइल कानून विभाग में भेजकर स्वीकृति फिर उसको लॉ मिनिस्ट्री में भेज दिया कि मैं इसकी लीगल ऑप्शंस क्या है वो देना चाहता हूं, फिर अटका दिया उसको भी। तो इस प्रकार की फाइलों को अंततः उपराज्यपाल महोदय को सभी विभागों में समन्वय बनाकर 5G फाइल को भी खुद ही स्वीकृत करना पड़ा। इसकी ड्यूटी है ये मुख्यमंत्री की ड्यूटी है, सिसोदिया साहब की ड्यूटी है, वो भी इन्होंने इस फाइल को भी रोक के रखा। तो इन चीजों को देखते हुए ये मैंने एग्जाम्पल दिए आपको। इसी प्रकार से मैं आपको 5G के आधार पर बताना चाहता हूं, 2016 में 4-फेज मेट्रो प्रारंभ हो रहा था साउथ दिल्ली के अंदर, उस फाइल को भी लगातार 3 साल तक इन्होंने रोके रखा। अगर ये प्रोविजन 19/5 नहीं होता नियम, तो वो 4-फेज की मेट्रो जो तुगलकाबाद से एरोसिटी चल रही है वो भी हरदीप पुरी जी को तो ये चिट्ठी लिखनी पड़ी कि तुम्हारा पैसा जो शेयर का 50% अगर नहीं दोगे केंद्र खुद भी देगा, दिल्ली को चौक नहीं बनने देगा, दिल्ली के लोगों को परेशान होने नहीं देगा, बस आपने 10,000 लानी थी, आप लाए नहीं, कम हो गई और मेट्रो की परमिशन नहीं दे। वो भी इन्होंने 3 साल तक इसी प्रकार से 4-फेज की मेट्रो की लाइन रोक के रखी थी। चिराग दिल्ली नेहरू प्लेस से लेकर साकेत की जो लाइन थी उसकी परमिशन अभी तक नहीं थी, और 3 लाइनों की परमिशन 2016 में 4-फेज मेट्रो शुरू होनी थी। इसीलिए केजरीवाल साहब अब अपने को कोर्ट में ये बेनिफिट शो करने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय में मैं दोहराना चाहता हूं, 8 तारीख को डेट है, उस डेट के लिए देखो जी हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हमारी फाइलें डांट मारे, हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हो, जबकि उनका कोई अधिकारों का हनन नहीं, आपके पास फाइल आए आप विद इन टाइम फाइल को अप्रूव करिए अपने टेबल पे, देश का कानून है, फाइल क्यों लटकाएगी 6 महीने 7 महीने लटकाना भटकाना अटकाना। तो इस मानसिकता से वो दिल्ली के विकास को रोकना चाहते हैं, क्योंकि अगर केंद्र सरकार के माध्यम से दिल्ली का विकास होगा तो विकास दिखाई देगा। क्योंकि केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं, आप टेंशन ले रहे हैं कि एलजी साहब अगर अप्रोच दे रहे तो दिल्ली का विकास हो रहा है, तुम्हारा क्या फिगर रहा है उसमें जी? एलजी साहब विकास की तो बात कर रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए कि हमारी सैलरी कितनी बढ़ जाए,
हमारी और फैसिलिटी वीआईपी गाड़ी हमें कितनी बढ़िया बढ़िया मिल जाए, हमारी कोठी कितनी बदला केजरीवाल साहब का, और डबल बराबर वाला प्लॉट भी एक्वायर करने के बाद जजों के फ्लैट खाली कराकर, और अब वो 4 एकड़ में फार्म हाउस बन रहे केजरीवाल साहब का मकान, ये फाइलें तो केजरीवाल साहब निकालते हैं। लेकिन 500 आपने स्कूल बनाने की बात कही, ये तो किसी ने रोका नहीं, अब तक क्यों नहीं बने? आपने नल से जल देने की बात कही, कहां है नल से जल आपका? आपने 20 कॉलेज खोलने की बात कही, अभी तक क्यों नहीं 20 कॉलेज खोले आपने? आपने पूरी दिल्ली में फ्री वाईफाई युवाओं को बोला था, फ्री वाईफाई देने की बात कर रहे हो, और 5G की फाइल भूल गए हो आप कि फास्ट इंटरनेट अगर मिल जाए लोगों को बिजनेस काम करने के लिए या बच्चों को पढ़ाई में, 2 लाख आपने पब्लिक टॉयलेट बनाने थे, गिरवाइए कहा 20,000 बनाए आपने दिल्ली के अंदर, 8 लाख लोगों को आपने परमानेंट रोजगार देना था, सबको परमानेंट कर उनके केजरीवाल साहब, आपने जल लोकपाल लाने की बात कही थी, मैं जल लोकपाल लेकर आऊंगा, इनमें तो ना लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का इंटरफेरेंस है, ना केंद्र सरकार का इंटरफेरेंस है, आपने 30,000 नए बेड मैं अस्पतालों में बनाऊंगा, आज भी 13,000 बेड केवल दिल्ली के अस्पतालों में, आपने कहा 30,000 नहीं बनाऊंगा। तो इस प्रकार के जो आपके डेवलपमेंट थे उनकी तरफ ध्यान ना देकर उनसे डाइवर्ट करके, और 8 जनवरी को अदालत में कहीं ना कहीं हमारी बात और ये मुद्दा बने, चर्चा का विषय बने, इस प्रकार की नौटंकी की है। याद आपके सामने हम इनकी स्थिति रखना चाहते हैं कि दिल्ली को लोग कैसे बर्बाद करना चाहते हैं। धन्यवाद। किसी को प्रश्न हो तो? उनका कहना है कि क्षेत्र में क्यों दखल दे रहे हैं और अफसर बमका रहे हैं काम करने को नहीं, वो तो IRS बताते थे अपने आपको केजरीवाल साहब कमिश्नर थे इनकम टैक्स के, लेकिन कहते थे मैं इनकम टैक्स कमिश्नर रहा हूँ, तो कानून पढ़ रहे केजरीवाल साहब कि नियम 19(5) क्या कहता है कि किसी भी फाइल को कोई भी दिल्ली के इम्प्रूवमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए अगर आएगी और वो रोक कर रखी जाएगी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को उसको रिव्यू करने का पूरा राइट है मंगाने का फाइल को। अब फाइल वो जब अफसर से मंगाते हैं तो इनको अप्रूव करनी पड़ती है, जैसे कानून है ना, राज्यसभा लोकसभा में, लोकसभा में बिल पास होगा, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा उसको नहीं करेगा तो वह लोकसभा में आएगा, तो राष्ट्रपति या अनेकों प्रकार के हमारे प्रावधान सप्लाई की जो एक्शन रिएक्शन का जो ये वो क्या होगा अब तक इस पे रहे। लेटर में उन्होंने ये भी कहा है कि LG अगर अधिकारी उनके मन मुताबिक का काम नहीं कर रहे हैं तो उनको सस्पेंड करने की भी धमकी LG अधिकारियों को दे रहे हैं। नहीं देखो वर्बली तो किसी को कुछ भी बोले जाए उसका कहने का क्या है, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब किसी को अधिकारी को धमकी दे रहे हैं, किसी को हटाने की धमकी दे रहे हैं। हाँ अगर कोई अधिकारी करप्ट है, भ्रष्ट है, फाइलों को दबाए बैठा है तो सेंटर में 56J का प्रोविजन लाया गया है, वो उन्हीं लोगों के लिए लाया है जो देश में 70 साल से चल रहा था, जब काम फटाफट हो विद इन द टाइम। रमेश जी आज राहुल गांधी की जो रैली है भारत जोड़ो यात्रा वो दिल्ली में भी दाखिल हुई है, इसे किस तरीके से देखते हैं? और आरोप कांग्रेस ये भी लगा रही है कि कोरोना का हवाला लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इस रैली को स्थगित करना चाह रही है। देखो मजबूरी में उनको अध्यक्ष बनाना पड़ा खड़गे जी को, दबाव में आने के बाद मीडिया में परिवार और परिवार, अभी मैं इंडिया गेट से निकल के आ रहा हूं, आप भी जरा जाइए उन होर्डिंगों में खड़गे साहब है ही नहीं, इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ही नहीं, इसी से पता लग जाएगा कि उनका क्या भारत जोड़ो और क्या देश जोड़ो का नारा है, वो इसी से पता लगा, खड़गे साहब है ही नहीं, बहुत होर्डिंगों में खड़गे साहब नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। तरुण जी इसमें सिर्फ जो हमने चिट्ठी पढ़ी होगी इसे कहीं जिक्र नहीं है कि मेरे अफसर को किया जाए, दोबारा चेक कर रहा था कहीं जिक्र जिक्र नहीं, तो जो कहते हैं और जो लिखते हैं उस पर होता है कि देखिए। धन्यवाद विभूति जी। ये यात्रा के ऊपर जो है कोविड नियमों की पालना नहीं हो रही है और लगातार केंद्र सरकार की तरफ से अपील की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी के नेता है ये कम से कम डेमोन्स्ट्रेट करें कि कोविड हमारे बीच में फिर से आ गया है, लेकिन तब भी नियमों की पालना कोविड प्रोटोकॉल की नहीं हो रही है भारत जोड़ो। ये तो मीडिया इसमें ज्यादा अपना रोल अदा कर सकती है, लोकतंत्र का 5वां स्तंभ है, मीडिया को ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर